ये कहानी है 15 साल के एक लड़के की जो अपने ही माँ के साथ रिलेशन बनाता है जिसे लव और लस्ट के बीच का फर्क नहीं पता। मूवी स्टार्ट होती है और हम लॉरा नाम के एक लड़के को देखते हैं। लॉरेन फ्रांस में रहता है और पढ़ाई में बहुत ही अच्छा है। इस वक्त वो फ्रांस की सड़कों पे घूम के चंदा इकट्ठा कर रहा है ताकि वो अपने देश के सोल्जर्स की मदद कर सके, क्योंकि ये समय चल रहा था 1954। ये वही समय था जब इंडो चाइना वॉर चल रहा था जिसमें फ्रांस भी इन्वॉल्व था। डोनेशन इकट्ठा करने के बाद लॉरेन और उसका दोस्त एक बुक स्टोर पे जाते हैं, जहाँ मौका देख के लॉरेन एक बुक चुरा लेता है और जाते जाते वो बुक स्टोर के ओनर से डोनेशन ले लेता है। इसके बाद हम लॉरेन की फैमिली को देखते हैं जिसमें उसके मॉम डैड और दो भाई थे जो लॉरेन से बड़े थे और वो काम करके पैसे भी कमा लेते थे। उन्हें देख के लॉरेन भी सोचता था कि काश वो भी उन्हीं की तरह काम करके पैसा कमाए। लॉरेन की माँ क्लेरा सबसे ज्यादा उसी से प्यार करती थी, तो वहीं लॉरेन के फादर चार्ल्स एक डॉक्टर थे। वो अपने काम में इतने बिजी रहते थे कि वो अपनी फैमिली को टाइम ही नहीं दे पाते थे। जब वो सभी डिनर कर रहे थे तब लॉरेन कहता है कि मुझे भूख नहीं है। ये सुन के उसके डैड उस पे गुस्सा करते हैं जिस वजह से लॉरेन वहाँ से चला जाता है। बाद में उसकी मॉम उसे मना लेती है। रात को जब वो बुक पढ़ रहा था तभी वहाँ उसके दोनों भाई आते हैं और वो लॉरेन को परेशान करने लगते हैं, तो लॉरेन भी उनके साथ मस्ती करने लगता है और ये तीनों अपने अपने पैंट उतार के अपने हथियार नापने लगते हैं। तभी वहाँ उनकी मेड आ जाती है और उन लोग को डांट के वहाँ से भगा देती है। अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तब उसके फादर उसे डांटते हैं क्योंकि आज वो लेट आया था। क्लास के बाद लॉरेन और उसका दोस्त एक जगह पे बैठ के स्मोक करने लगते हैं। जब वो घर आ रहा था तब वो अपनी मॉम को देखता है जो किसी गैर मर्द के साथ कार में बैठ के कहीं जा रही थी। ये देख के वो समझ जाता है कि उसकी मॉम का एक आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। साथ ही उसे गुस्सा भी आता है और वो घर चले जाता है। वो गुस्से में ये बात अपने डैड को बताने जाता है पर उसके डैड एक पेशेंट के साथ बिजी थे, इसीलिए वो उसे डांट के वहाँ से भगा देते हैं। इस बात से गुस्सा होकर लॉरेन घर आके अपने कपड़े फाड़ने लगता है। वो अपने भाई से भी बात नहीं करता। जब वो सभी डिनर कर रहे थे तभी लॉरेन की मॉम उस आदमी से मिलके घर आती है। वो लॉरेन के साथ प्यार से बात करती है पर लॉरेन अंदर ही अंदर गुस्सा था, इसीलिए वो उसे इग्नोर कर देता है। अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तब वो फादर के पास अपनी गलतियां कबूल करता है। वो उन्हें बताता है कि मैंने कई गलत काम किए हैं, मैंने पेरेंट्स से झूठ बोला है, कभी कभी मैं स्मोक करता हूँ, कभी कभी मैं हिला भी लेता हूँ। तब फादर उसे प्यार से समझाते हैं कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए और तुम्हें वो सब गंदी आदतें टालनी होगी। लेकिन इसके बाद भी लॉरेन अपने दोस्त के साथ स्मोक करना जारी रखता है। जब वो घर पहुंचता है तब वो देखता है उसके दोनों भाई अपने फ्रेंड को घर बुला के पार्टी कर रहे थे। लॉरेन भी उनके साथ शामिल होता है और एक लड़की लॉरेन के करीब आती है और उसे किस करने लगती है। तभी वहाँ उनकी मेड आ जाती है और वो लॉरेन को डांट के दूसरे रूम में ले जाती है। रात को लॉरेन के दोनों भाई उसे एक क्लब में ले जाते हैं जहाँ उसे पता चलता है कि यहाँ उसके दोनों भाई कई बार आ चुके हैं। तभी लॉरेन के पास एक लड़की आती है जिसका नाम थ्रेंडा होता है। वो लॉरेन से बातें करने लगती है और उसके बाद वो उसे एक रूम में ले जाती है जहाँ पहली बार लॉरेन फिजिकल होता है। इसके बाद लॉरेन स्कूल के स्काउट ट्रिप पे चले जाता है लेकिन वहाँ जाके उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे घर भेज दिया जाता है। जब डॉक्टर लॉरेन के घर आता है तब वो उन्हें बताता है कि लॉरेन को स्कारलेट फीवर हुआ है और उसे ठीक होने में ऑलमोस्ट एक मंथ का टाइम लग सकता है, इसीलिए डॉक्टर उन्हें कहता है कि लॉरेन का अच्छे से ख्याल रखा जाए। इसके बाद लॉरेन की मॉम लॉरेन के पास आती है और वो लॉरेन को बताती है कि जब मैं 3 साल की थी तब मेरी मॉम मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। वो कहती है कि मेरे डैड एक पॉलिटिशियन थे और वो ठीक तुम्हारे डैड की तरह अपने काम में बिजी रहते थे और हर रात एक नई लड़की के साथ घर आते थे। आज तुम्हें देख के मुझे अपना बचपन याद आता है। ये कह के लॉरेन की मॉम वहाँ से जाने लगती है। तब लॉरेन अपनी मॉम को विंडो से देखने लगता है और उसकी मॉम उसी आदमी के साथ वहाँ से चली जाती है। जब लॉरेन का रिपोर्ट आता है तब सबको पता चलता है कि लॉरेन को एक दिल की बीमारी है जिसे मरमर ऑप्टिकार्ड कहा जाता है। उस मुश्किल घड़ी से बाहर निकलने में सब लोग लॉरेन का साथ देते हैं और उसे खुश रखने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता है लॉरेन अब ठीक होने लगता है। एक दिन लॉरेन के क्लास फादर उसे मिलने आते हैं जहां वो लॉरेन की मॉम को बताते हैं कि इस बीमारी के बाद लॉरेन और भी ज्यादा मैच्योर हो गया है और अब वो पढ़ाई में भी बेहतर कर रहा है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि लॉरेन को अभी भी अच्छे ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो अगले दिन लॉरेन के पेरेंट्स उसका इलाज कराने के लिए शहर के बाहर ले जाते हैं। वो तीनों एक होटल में रुकते हैं जहां उन्हें 2 रूम बुक करने के लिए कहा था, लेकिन एक सेक्रेटरी की गलती की वजह से उन्हें एक ही रूम मिलता है और बदकिस्मती की वजह से दूसरे रूम भी खाली नहीं थे, इसीलिए लॉरेन और उसकी मॉम को एक ही रूम में रहना पड़ता है और लॉरेन के फादर वापस घर चले जाते हैं। अब उस होटल में लॉरेन हेलेन और डेकिन नाम की लड़की से मिलता है और उन दोनों के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है। धीरे धीरे लॉरेन अब हेलेन को पसंद करने लगा था और एक दिन वो हेलेन से मिलने के लिए उसके रूम में चला जाता है जहां वो हेलेन के करीब जाने की कोशिश करता है, पर हेलेन उसे रोकते हुए कहती है कि वो
अभी इस चीज के लिए रेडी नहीं है। एक बार जब लॉरेन की मॉम नहा रही थी तब लॉरेन उन्हें देखने लगता है। जब इस बात का पता उसकी मॉम को चलता है तब वो उसे एक थप्पड़ मार देती है। इसके बाद जब वो दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे तब उसकी मॉम उसे पूछती है कि वो उन्हें क्यों देख रहा था। तब लॉरेन बताता है कि मुझे तुम्हारे अफेयर के बारे में सब पता है। वो उसकी मॉम पे बहुत गुस्सा होता है और उनसे बात भी नहीं करता। जब वो सो रहा था तब उसकी मॉम उसके पास एक लेटर रख के चली जाती है। जब लॉरेन उठता है तब वो लेटर पढ़ता है जिसमें उसकी मॉम ने लिखा था कि उसे किसी जरूरी काम की वजह से बाहर जाना पड़ा है और वो 2 दिनों में लौट आएगी। ये पढ़ के लॉरेन समझ जाता है कि उसकी मॉम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई है। जब लॉरेन की मॉम वापस आती है तब वो बेड पे लेट के रोने लगती है। तब लॉरेन उसके पास जाता है और उन्हें पूछता है कि वो क्यों रो रही है। तब वो बताती है कि हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। तब लॉरेन उन्हें हिम्मत देते हुए कहता है, जो हुआ सो हुआ, तुम्हें उससे भी अच्छा कोई मिल जाएगा जो तुम्हें बहुत प्यार करेगा। तब लॉरेन की मॉम को ख्याल आता है कि वो ये सब अपने बेटे से डिस्कस कर रही है और वो लॉरेन को सॉरी कहती है। तब लॉरेन कहता है कि मैं आपका बेटा जरूर हूँ पर मैं तुम्हारे फ्रेंड जैसा हूँ। इसके बाद वो दोनों साथ में डिनर करते हैं और वो दोनों खुल के बातें करते हैं। रात को जब वो पार्टी में जाते हैं तब वहाँ वो दोनों ड्रिंक करते हैं और जब वो दोनों घर आते हैं तब वो अपना होश खो बैठते हैं और फिजिकल हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद लॉरेन को गिल्टी फील होने लगता है और वो उसकी मॉम को सॉरी कहता है। तब उसकी मॉम उसे कहती है कि हमारे बीच जो भी हुआ है वो बस एक एक्सीडेंट था, हम दोनों को कुछ भी होश नहीं था और इसके बाद हम कभी ऐसा नहीं करेंगे और इस बात को हमेशा सीक्रेट रखेंगे। तो लॉरेन उसकी बात मान लेता है। उसके बाद लॉरेन हेलेन के पास जाता है और हेलेन के मना करने के बाद भी वो उसे टच करने लगता है। इस वजह से हेलेन उस पे गुस्सा हो जाती है और उसे वहाँ से भगा देती है। इसके बाद लॉरेन डेफनी के कमरे में जाता है और उसके साथ फिजिकल होता है। अगली सुबह जब वो उसके डैड और भाई को देखता है तब उसे लगता है कि उन्हें सब कुछ पता चल गया है, इसीलिए वो डरने लगता है। लेकिन लॉरेन के शक्ल पे सब हंसने लगते हैं और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। ऐसे ही और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।